फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज प्रज्ञा किचन में कुछ मीठा बनने वाला। आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है और खाने में बहुत डिलीशियस है, तो वीडियो अंत तक देखें। तो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टील की कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और एकदम लो फ्लेम पर। और मैंने ये 250 ग्राम तिल ले ली है, वाइट तिल ली है। इसको अपन रोस्ट करते हैं, जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रैकल ना हो। अपनी तिल्ली रोस्ट हो चुकी है, इसको रोस्ट होने में 5 मिनट लगभग लगे हैं। आप इसको सिम पर ही रोस्ट करें, वरना तिल्ली बहुत बारीक होती है, जल जाएगी तो इसमें कड़वापन आएगा। तो अभी अपन गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तिल्ली ठंडी होती है तब तक अपन दूध को बॉईल करने रखते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ml दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध लिया, इसको लो टू मीडियम पर उबलने देते हैं। और अपन अभी जो तिल्ली ठंडी हो गई उसको अपन मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। को अपने को अभी तो जब तक उबाला नहीं आता तब तक हाई फ्लेम पर रखा है, फिर उबाला आने के बाद इसको लो फ्लेम पर इसको उबलने देंगे जब तक ये आधा दूध ना रह जाए। ये अपने दूध के अंदर उबाला आ चुका है, अब अपन इसको लो फ्लेम पर इसको उबलने देते। बीच बीच में इसको एक दो बार चला देंगे। और अपन ही अभी तिल्ली भी ठंडी हो गई तो इसको मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। दूध को उबलते हुए 10 मिनट लगभग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। अब अपने को इसके अंदर चीनी मिलानी है, जितने अपन ने तिल्ली लिए उसी के नाप से मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो 400 ग्राम अपन ने दूध लिया है और 250 ग्राम तिल लिया उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और इसके अंदर मैंने 4 ग्रीन वाली इलायची का पाउडर बना के तैयार करा, वो भी इसके अंदर मिला देते हैं। अब चीनी मेल्ट होने तक अपने को लो टू मीडियम पर इसको रेगुलर चलाते हुए पकाना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं अब दूध थोड़ा पतला हो गया चीनी डालने के बाद। अपने को तब तक बॉईल करना है जब तक ये कंडेंस मिल्क जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए। इसको रेगुलर चलाते हुए ही आप बॉईल करें, क्योंकि अभी ये नीचे चाट सकता है। आप देख सकते हैं मैंने तिल्ली का दरदरा पाउडर ही तैयार करा है। यहाँ पर मैंने तिल्ली बिना छिलके उतरी हुई ली है, इसलिए ऐसा कलर आया। और ये तिल्ली ज़्यादा फायदेमंद होती है इसीलिए मैंने ऐसी ली है, वरना मार्केट में छिलका उतरी एकदम वाइट मिलती है। और जहाँ अपने को गजक बेलना है वो प्लेटफॉर्म भी मैंने घी से ग्रीस करके तैयार रखा है। देख सकते हैं अपना दूध उबलते हुए कैसा हो गया, अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम कंडेंस मिल्क जैसी हो चुकी है। अब जो अपन ने वो तिल्ली जो दरदरा पीस के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। ये गजक खाने में बहुत टेस्टी होती है, कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है। और सर्दियों में तिल्ली खानी चाहिए, और बच्चे भी खा सकते हैं और बूढ़े भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन ने दूध से ही मावा तैयार करा है और सॉफ्ट भी होगी ये। बस अपने को इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और ये दो फॉर्म में नहीं आए तब तक अपने को इसको हिलाते रहना। ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती जा रही है। ये सारा काम अपने को लो फ्लेम पर ही करना है, वरना तिल्ली जल जाएगी। अभी इसको थोड़ा समय लगेगा, 1-2 मिनट। बेस आप देख सकते हैं आप एक डो फॉर्म में आने लग गया, तो अपन इसको ग्रीस करे हुए प्लेटफॉर्म पे ले लेते हैं। आप चाहें तो ग्रीस करे हुए कोई प्लास्टिक या फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। ये मैंने इसको ग्रीस करे हुए प्लेटफॉर्म पे ले लिया है, इसको प्लेटफॉर्म पे ले लिया। आप इसको थोड़ा सा एक बॉल की तरह कर ले, ताकि ये एक में अच्छे से हो जाए। अब अपने को इसको बेलना है। बेलन को अच्छे से घी से ग्रीस कराएं, आप घी या तेल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। हल्के हाथ से बेलना है अपने को। ये मैंने इसको एकदम स्क्वायर शेप में बेल लिया है। अब अपन इसके ऊपर कुछ पिस्ता कतरन लगाकर वापस हल्के हाथ से बेलन से इसको पिस्ता को सेट कर लेते हैं। ये तो बिना पिस्ता के भी बहुत टेस्टी होती है। सर्दियों में अपने को तिल्ली खानी होती है, लेकिन बच्चों को कैसे खिलाना और वेरिएशन करके अपन खिला सकते हैं। ये गजक बहुत ही टेस्टी है और कैल्शियम से भरपूर है। अब अपन इसको चाकू या पिज़्ज़ा कटर, आप किसी से भी मनचाहे शेप से काट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर लिया है,
बहुत ही आसानी से कट जाती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कट रही है। और अब अपन इसको 30 से 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेट होते हुए एक घंटा लगभग हो चुका। जब तक ये सेट नहीं हो तब तक आप इसको नहीं छेड़ें। जब ये इस तरीके से आप उतारें ये उतरने लग जाए, देख सकते हैं आप इजीली रिमूव हो रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही, तोड़ के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसी तरीके अपन सारे उतार के सर्व करते हैं। 250 ग्राम तिल से तैयार गजक, बहुत ही टेस्टी और कैल्शियम से भरपूर। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें कि कैसी बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।